हरामी हो दोस्तों, शादी इंसान की लाइफ का सबसे खूबसूरत पल होता है, जिसमें नाच गाना, रस्म और रिवाज सहित कई ऐसी चीजें होती हैं जो शादी को यादगार बनाती है। वहीं कभी कभी शादियों में कुछ ऐसे भी कांड हो जाते हैं जो हर किसी को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम आपको शादियों में हुए ऐसे ही मजेदार घटनाओं को दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर यकीनन आप भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाओगे। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, जो लौंडे हमेशा स्कूल में कॉपी कर कर के पास हुए होते हैं, वही अपनी शादी में कुछ ऐसा कांड कर जाते हैं। संस्कार उससे बड़े हैं इसके। इस कारनामे के बाद उसकी होने वाली पत्नी यही सोच रही होगी कि उसे काफी संस्कारी पति मिला है। आपने कभी ना कभी ये तो जरूर सुना होगा कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो इस अगली जोड़ी को देखकर यकीनन आपका भी ऊपर वाले से भरोसा उठ जाएगा। भाई साहब, इस ताऊ की किस्मत को देखकर मुझे तो रोना आ रहा है। वैसे हर किसी के पास इस ताऊ जितनी जमीन जायदाद नहीं होती, इसलिए समय रहते ही शादी कर लेना, वरना आखिर में इस दूल्हे की तरह बकरी के साथ ही साथ फेरे लेने पड़ सकते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, अब आप इस भागते हुए दूल्हे से मिल लीजिए, जिसे एक्सरसाइज करने का कोई शौक नहीं है, बल्कि इस दूल्हे राजा का भी शादी में ही पेट खराब हो गया था, इस कारण उसे लोटा पकड़कर भागना पड़ रहा है। लगता है इस दूल्हे जनाब ने बाप का, भाई का, दादा का, सबके हिस्से का खाना ठूस ठूस कर खा लिया होगा। अब यार, आप इस दूल्हा दुल्हन को देख लीजिए, जिन्हें नाचने की इतनी चुल थी कि वह फेरे लेते लेते ही नाचना शुरू कर देते हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। बेचारे पंडित जी भी इनका डांस देखकर कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। दोस्तों, अब आप एक नजर इस दूल्हे पर भी डाल लीजिए, जिसमें यह दूल्हा अपना फेवरेट गाना सुन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और शादी के बीच में ही उसे नाचने का दौरा आ जाता है, जिसके बाद दूल्हा खुद तो नाचता ही है, साथ ही वो अपनी होने वाली पत्नी और पंडित जी को भी नाचने पर मजबूर कर देता है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों, शादियों में बुजुर्ग लोग अपना अलग ही डांस करते हैं, जो देखने में काफी मजेदार भी लगता है। अब जैसे इसी चर्चा के नेक्स्ट लेवल डांस को देख लीजिए, जो नाचते नाचते किसी अलग ही ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। लगता है इस चचा को अपनी शादी का दिन याद आ गया होगा। दुख, दर्द, पीड़ा क्या होता है, यह आप इस शादीशुदा व्यक्ति की हालत को देखकर अच्छे से समझ जाओगे। ये भगवान, क्या जुल्म है। वह इस व्यक्ति की हालत को देखकर ऐसा ही लगता है कि इसने पास्ट में जरूर कोई कांड किए होंगे और उसकी पत्नी ने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया होगा। लगे हाथ इस मजेदार वीडियो को भी देख लीजिए, जिसमें यह महिला दुल्हन से तो गले वाले मिल लेती है, लेकिन जब उसका पति दुल्हन से गले मिलने जाता है तो उसकी पत्नी उसे पकड़ कर खींच लेती है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा।
भैया इसके बाद वो अपनी पत्नी को खोजते हुए मन में यही कह रहा होगा कि इसे मेरी एक पल की भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। दोस्तों शादियों में फोटोग्राफर की काफी अहम भूमिका होती है क्योंकि यही तो वो होते हैं जो दूल्हा दुल्हन के हर बेहतरीन मोमेंट को कैप्चर करते हैं। वीडियो में दिख रहा यह फोटोग्राफर भी दूल्हा दुल्हन के बेहतरीन पलों को रिकॉर्ड कर रहा था, मगर भाई साहब वो मोमेंट कैद करने में इस कदर खो गया कि उसने आगे पीछे और दाएं बाएं देखना भी लाजमी नहीं समझा। जिस चक्कर में महाशय की हड्डियां तो टूटी ही, साथ ही वो अपने कैमरे से भी हाथ धो बैठते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब यार आप इस शादी की मजेदार वीडियो को देख लीजिए जिसमें दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहना रहा था कि तभी इस दूल्हे के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। भैया ऐसे कांड सिर्फ और सिर्फ दूल्हे के दोस्त ही कर सकते हैं। अब एक नजर इस शादी पर भी डाल लीजिए जहां दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र नहीं पहना पा रहा था, तो देखिए कैसे दूल्हे के दोस्त ने उसकी मदद की। अरे यार इतने टाइम का ही लगा रहो है, इतना पहना करें तू यार, कुछ सीखो नहीं तो बड़ा है वो। भैया मदद करने के चक्कर में इसने तो अपने दोस्त के ही दुल्हन से शादी कर ली। दोस्तों अब आप बिहार की इस मजेदार घटना को देख लीजिए जिसमें हॉस्टल का ये लड़का ना तो दूल्हे को जानता था और ना ही दुल्हन का कोई रिश्तेदार था। इसके बावजूद वह शादी में खाना खाने के लिए पहुंच जाता है और दूल्हे के पास जाकर देखिए उससे क्या कहता है। यहाँ क्या आपके शादी में हम आए? हाँ हाँ। और हमको पता नहीं आपका नाम क्या है, घर कहाँ है? सही, सही। हम हॉस्टल में रहते हैं, हमको भूख लगा था, हम आ गए यहाँ पे खाने, आपको कोई दिक्कत? मतलब ऐसे चल रहा था वहाँ पे, तो हम सोचे क्या कि घुस के खा लेते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बनाए नहीं थे। अच्छा 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 अच्छा। इसीलिए हम सोचे एक बार आपको बोल दें, ऐसे शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हाँ बस यही बोलना था। अब अपना हॉस्टल के लिए लेते जाना, हॉस्टल ठीक है? ठीक है, हाँ खा लेते हैं। ठीक है, बच्चा लोग के लिए भी गाल लेते जाना। एकदम एकदम ठीक। भाई साहब इस लड़के की होनेस्टी और दूल्हे के बड़े दिल के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों आजकल गेम खेलना हर कोई पसंद करता है, वहीं जब बात आती है पबजी की तो इस गेम के चक्कर में लोग खाना पीना तक भूल जाते हैं। अब जैसे इसी पबजी एडिक्टेड दूल्हे से मिल लीजिए जो अपनी बारात में भी खुद को पबजी खेलने से नहीं रोक पाता है। बहुत बढ़िया। एक नजर इस दुल्हन पर भी डाल लीजिए जहां ये मोहतरमा शादी के मंडप पर ही पबजी खेलना शुरू कर देती है जिसे देखकर उसका होने वाला पति कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा। बंद करो हाथ जोड़ के मैं खत्म